हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास जेईई एग्जाम के ऊपर है कि किस तरीके से हम जेईई का एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो हमेशा याद रखिए कि वो गलती ना करें जो पिछले बार आपने गलती किया एग्जाम देने से पहले। और अगर पहली बार एग्जाम दे रहे तो मन में एक ही चीज होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो जेईई एग्जाम है, ठीक है, एक तो हमेशा याद रखिएगा कि लेस देन 5% ही सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, लेस देन 5% ही सक्सेसफुल होते हैं इसमें, जो कि पास करते हैं ऑल थ्री पेपर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग के अंदर रखना है और आपको 5% के लोगों के बीच में ही आना है। अगर हम जेईई पेपर की बात करें तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं आज के डेट में। एक तो हो गया जो बुक में पूछा जाता है, बुकिश में, बुक में क्या है, मैकमिलन बुक, और दूसरा हो गया आउटसाइड क्वेश्चंस आजकल आते हैं जो बुक में नहीं मिलेगा। आउटसाइड बुक क्वेश्चंस लिखिए, आउटसाइड बुक लिख लीजिए। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पे 60% क्वेश्चन यहां से आता है, 40% क्वेश्चन यहां से आता है, और ये सबसे बड़ा रीजन हो जाता है फेलियर का। और एक और रीजन है, हम लोग क्या करते हैं ना, आधा अधूरा पढ़ते हैं। बुक भी लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। मेरा सीधा सा बात बोलना है, डेप्थ में, डिटेल्ड में नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई काम नहीं आने वाला। यही काम आएगा डेप्थ डिटेल में पढ़ेंगे तभी फायदा होगा। अब हम लोग का आंख भी तब खुलता है जब हम लोग एग्जाम के बहुत नजदीक आ जाते हैं ना, एग्जाम के एकदम पास आ जाएंगे, नियर बाई आ जाएंगे एग्जाम के, तो हम लोग का आंख खुलता है भाई चलो अब हम लोग पढ़ाई करना चालू करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि हम लोग के फेल होने में। ठीक है, और यहां पे मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि अगर आप गलती कर गए तो घबराइए नहीं, अब से चालू कर लीजिए, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। जो नहीं कर पाए नहीं कर पाए, अब से तो करिए, घबरा क्यों रहे आप। ठीक है, और वो गलती ना करें कि एग्जाम में ये नहीं सोचना है कि शॉर्टकट मार के हम लोग पास कर जाएंगे। जैसे कि आपने नोट्स होता है तो नोट्स का आपने कहीं से डाउनलोड कर लिया, सोच रहे उसको रट्टा मार के चले जाएंगे काम हो जाएगा, या कोई वीडियोस देख लिया तो उससे आपको लग रहा काम हो जाएगा। देखिए एक चीज समझिएगा, नोट्स या वीडियो, जब ये इन दोनों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इनकम्प्लीट होता है, पूरा तो होता नहीं है। ठीक है, दूसरा बात क्या होता है, अपडेटेड नहीं होता। ठीक है, नॉट अपडेटेड, ये सारा चीज जो है आपको निगेटिव में कर देता है। और ये सबसे उसमें भी सबसे बड़ी बात है, डिटेल्ड नहीं होता कि मुझे डिटेल्ड चाहिए। ये तीनों चीज नहीं होने की वजह से ये सब बेकार है करने से, और करके भी बहुत सारे लोगों ने किया है रिजल्ट नहीं आया, तो वो काम मत करिए जो यहां पे आप कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया। अब हमारा एक ही गोल है, एक ही ड्रीम है और एक ही मिशन है। क्या है, ज्यादातर लोगों का होगा कि किसी तरीके से 50 नंबर आ जाए, पास हो जाए हम, ये ज्यादातर लोगों का है। ठीक है, बुरा सपना नहीं है, बुरा गोल नहीं है, पर इसमें अगर 1% कम हो गए तो क्या होगा, 49% और आप हो गए सीधा सीधा फेल, कहानी खत्म आपका। जबकि अगर यहां पे 65% हो जाता, उसमें 1% भी कम आता, 64% होता, तब क्या होते, फर्स्ट क्लास पास होते आप। दोनों के लॉजिक में कितना अंतर है, आपका ही पास होना उसका ही पास होना, बट उसको फर्स्ट क्लास से पास होना था, इसलिए 65% गोल लेकर चले, 1% कम भी आ जाएगा 64% है। ये चीज ध्यान रखना है। अब हमें वही काम करना, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, तो सबसे पहला है वॉच वीडियो केयरफुली, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, वही आपको फायदा पहुंचाएगा एग्जाम में। आ रहा बात समझे, वीडियो को पूरा सुनिए समझिए, वही एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाता है। फिर दूसरा चीज होता है प्रिपेयर योर ओन नोट्स, आप अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करें, सेल्फ प्रिपेयर करें।
तो प्रिपेयर योर ओन नोट्स, नोट्स खुद प्रिपेयर करने का कोशिश करें अपने हाथ से। इससे आप ऐसे अगर ऐसा कर रहे हैं ना तो 3 times स्टडी कर रहे हैं, और इसका महत्व एग्जाम के समय में समझ में आएगा जब रिविजन करेंगे। आपको खाली पढ़ना टर्न करेंगे, आपको दिमाग के अंदर सारी बातें प्रिंट होने लगेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार-बार नोट्स अपना बनाइए। और जो बच्चा नोट्स बनाता फेल भी नहीं करता है, ये भी एक रियलिटी है, ये भी बहुत बड़ा रियलिटी है। जो बच्चा नोट्स बनाता फेल नहीं करता है। और 3 times कैसे स्टडी हो रहा है, 3 times कैसे कर रहे हो आप स्टडी, वीडियो सुन रहे हो एक बार हो गया, फिर आप जब लिखेंगे तो मनी मन गुनगुनाएंगे, फिर लिखेंगे, जब लिखेंगे तो एक बार और हो जाएगा, एक बार वीडियो सुना गुनगुनाया 2 बार और लिखा, 3 बार हुआ ना स्टडी आपका। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए उस केस में, पर ये ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। फिर डू ए रेगुलर रिविजन, ये बहुत बड़ी चीज है। आप ज्यादा पढ़ो या कम पढ़ो इससे कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ो दिमाग के अंदर होनी चाहिए, इसलिए रिविजन करेंगे तो ही समझ में आएगा। इसलिए मैं इसको ब्रह्मास्त्र भी बोलता हूं। असली चीज तो यही है यार, ज्यादा पढ़ना कहीं मैटर नहीं करता है, कम पढ़ो तो भी चलेगा, बट करना है। मेरे एक लड़का था जो जेआईबी का कोर्स लिया था, वो एक ही चीज बोलता है, सब मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैं रिविजन करता हूँ। और उस बच्चे ने 2 महीना करो 20 दिन पहले ज्वाइन किया, और सभी पेपर में मोर देन 52, 53, 54 नंबर लाया 20 दिन पहले, 70% पढ़ के गया उसमें, लाया बहुत अच्छा नंबर लाया। तो आप रिविजन के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं, कि ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं है, जितना पढ़ा दिमाग के अंदर रखिए, ताकि कोई आदमी कहीं से पूछे और घुमा के पूछेगा एग्जाम में, आप बता सकते हैं। फिर आइए क्वेश्चन बैंक करें, मॉक टेस्ट दें, इतना काम कर रहे हैं तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप इतना काम कर रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। इतना यही स्ट्रेटजी है। ओके, अब हमें इसके बाद क्या करना होगा कि जो हमारा JIAB का जो वीडियो कोर्स है उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। और आप इसको 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, रात दिन सुबह शाम जब मर्जी है। तब वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड होता है, यानी प्री अपलोडेड होता है, पहले से अपलोडेड किया हुआ है, कोई लाइव क्लासेस नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि लाइव क्लासेस अगर लेंगे तो इसमें से आधे से ज्यादा बच्चा प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्यों, हर एक आदमी अपने टाइम पे आता है और जाता है। मैंने जब क्लास लिया था 100 में से मात्र 11 बच्चे आए थे, 18 बच्चे नहीं आए, क्योंकि मैं भी बैंक में जॉब करते साफ करते, मेरे ही आने का टाइम का गारंटी नहीं है, उस तरह आपके आने का टाइम का गारंटी नहीं है, हर आदमी का अपना एक प्रॉब्लम है, ठीक है। वीडियोस सारे आपको जो भी होता है ये आप समझ लीजिए कि वीडियोस अपडेटेड रहती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लोगों के मन में वैलिडिटी को लेके, हम इसको कब तक कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, तो लाइफ लॉन्ग, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा आप कोर्स को बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज के ऊपर, कितने तरह के हमारे यहां कोर्सेज हैं, कई तरह के कोर्सेज हैं हमारे यहां। तो बेसिकली हमारे यहां 2 तरह के कोर्सेज है, ठीक है। एक का नाम है PPT वीडियो कोर्स और दूसरे का नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। दोनों ही वीडियो कोर्स होती हैं, सिर्फ पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों ही वीडियो कोर्स है, पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम लोग आते हैं यहां पे, सबसे पहला है मोड। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो होता है, कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड
वीडियो होगा। यानी क्या होता है, जो आप कंप्यूटर में जो आप देखेंगे, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, जो उसका स्क्रीन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बेसिकली स्लाइड्स बनाए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, उस स्लाइड्स को बोला जाता है। तो वो क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन एक तरीके से रिकॉर्डर आपको मिलता है। फेस टू फेस का मतलब जैसे मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ बोल रहा हूँ बता रहा हूँ, इसको हम लोग फेस टू फेस बोलते हैं। लगेगा जैसे टीचर सामने खड़ा होकर बोल रहा बता रहा समझा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से वर्चुअल क्लासरूम बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है जो आप कर रहे हैं, और बहुत हाई पासिंग रेशियो है। ठीक, बहुत ही हाई पासिंग रेशियो है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मैं इसको अपडेट भी करता हूं। अब एग्जांपल के समझिए कि जो आप कोर्स कर रहे हैं फेस टू फेस कोर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी जब आप करेंगे इसके अंदर दो तरह का कोर्स मिलेगा, एक है वर्जन वन और एक मिलेगा वर्जन टू। वर्जन वन मैंने बनाया था मई के लिए और ये बनाया है मैंने नवंबर के लिए। देखिए हर छह छह महीने में मैं अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, अपडेट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आप अगर फेल हो गए हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा भाई यही कोर्स करना चाहिए आपको। और अगर फर्स्ट टाइम में निकालना है तो भी मैं बोलूंगा यही कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेलिंग होती है यही कोर्स। ठीक है, ये कोर्स उतना नहीं चलता है जितना ये कोर्स चलता है। ठीक है, क्योंकि हर आदमी के लिए एक ही चीज होता है कि मैं पास करूं। और इसमें एक और अच्छी बात क्या है, बहुत ही डेप्थ में मैंने पढ़ाया है और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है ये, तो नेचुरल सी बात है आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सारी बातें हैं, उसके बाद आइए नोट्स के ऊपर। तो नोट्स यहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में होता है जो सभी जगह मिलता है आपको। फिर आइए अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल वीडियो के ऊपर। यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस वीडियो का, ये दोनों जगह है। फिर आइए क्वेश्चन बैंक, यहां पे 6000 सेट का है, यहां पे 13500 सेट का है। फिर हो जाएगा यहां पे मॉक टेस्ट लिखिए, तो मॉक टेस्ट यहां कुछ नहीं है, यहां पे 30 मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर आप JAIIB का प्रिंसिपल्स या फिर लीगल करते हैं पेपर, तो उसका दाम है यहाँ पे 600 रुपए और उसका दाम है यहाँ पे 1200 रुपए। अगर आप यहाँ पे अकाउंटिंग करते हैं तो उसका दाम है 800 रुपए और इसका दाम है यहाँ पे 1500 रुपए। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं, इसका मतलब हो गया ऑल थ्री पेपर्स, तीन पेपर्स लेते हैं तो इसका दाम है यहाँ पे 1500 रुपए और इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपए। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप सिंपली फोन कर सकते हैं, फोन नंबर है 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। वेबसाइट है www.jaiibcaibstudy
material.com और ईमेल आईडी है sidsinha123@gmail.com। इस सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।